लेडीज एंड लेडर्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट ढूसा पड़ा होता है, फिर चाहे आप इंसान हो या जानवर कुछ फर्क नहीं पड़ता। साला कुत्ते में भी खंबे पे मुतने का टैलेंट होता है बे। अरे वाह भाई, इसीलिए आप उस दिन खंबे के आसपास घूम रहे थे ना, तेरी माँ। भाई, 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 भाई। तो आज हम ऐसे ही दिल और तशरीफ दहला देने वाले टैलेंटेड लोगों को देखने वाले हैं, जिनका टैलेंट देखने के बाद तो साला कुत्ता भी खंबे पे मुतना छोड़ देगा। कुछ भी नहीं सच में। चलिए देखते हैं। No! अरे कितना भी बोलो ये नहीं सुनने वाली। अरे आंटी वो करेला है गाजर नहीं, जो ऐसे चबा चबा करके दबा के खा रही हो। अरे वीडियो बनाने से पहले कुछ तो सोच लिया होता हमारे बारे में। चलो जब भी हम करेला देखते हैं ना, हमारा मुंह ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाता है। और आंटी ने बिना कुछ सोचे समझे कच्चा ही करेला निकल लिया। कैसे? चलो खाए तो खाए, लेकिन उसको कम से कम काट तो लेती। लेकिन नहीं, आंटी ने तो पूरा का पूरा ही ठूस लिया। चला करेला का मुंह बुलाओ, मगरमच्छ ज्यादा लग रहा है बे। तौबा तौबा तौबा, सारा मुंह कड़वा कर दिया, अब शक्कर खानी पड़ेगी। भाई शक्कर से अच्छा 2-3 टिकटॉकर्स की वीडियो देख लो, कड़वापन चला जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चाइनीज है ये लोग, चाइना से आते हैं। अबे यार, सांप बिच्छू चमगादड़ के चुच्चू कीड़े मकोड़े मेंढक के पकोड़े ये सब तो खाते थे पता था, लेकिन चप्पल वो भी नमक मिर्ची मसाला डाल के, ये भगवान। भाई यार तू चप्पल कैसे खा लेता है बे, तेरे पेट में गुड़गुड़ नहीं होती? साला खा तो ऐसे रहा है जैसे चप्पल नहीं चाउमीन हो। मत खाया कर यार, ऐसा नहीं है कि चप्पल जूते खाने के मौके हमें नहीं मिले, मिले भाया और अभी भी मिलते हैं। जब हम अपने पापा से पैसे मांगते हैं तो पापा कहते हैं बेटा जूता खाएगा, जब मम्मी से दूसरी सब्जी बनाने बोलो तो वो बोलती है बेटा चप्पल खाएगा, किसी लड़की को उसका नंबर मांगे तो वो बोलती है बेटा सैंडल खाएगा। अरे तूने तो सिर्फ चप्पल खाई है, हमें तो चप्पल जूता सैंडल सब खाने का मौका मिलता है, लेकिन हम नहीं खाते ना, कंट्रोल करते है। तू भी क्या कर। साला पहले चाइना वालों ने कोरोना फैलाकर हमारा होटलों में खाना बंद करवा दिया है, और ऊपर से चप्पल खाने वाला ट्रेंड फैल गया ना, तो साला होटलों में पोहा कचौरी समोसा की जगह जूता खाने का ऑर्डर देना पड़ेगा। आइए सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिला। स्वास्थ्य संबंधी सूचना, जो वीडियो अब आप देखने जा रहे हो वो वीडियो कमजोर दिल वाले और कमजोर तशरीफ वाले दोनों के लिए भी नहीं है। सो कृपया करके अगर आपका दिल और तशरीफ दोनों भी कमजोर है तो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो आपके दिल की राख और तशरीफ का धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप में चुल है ये वीडियो देखने की, तो देखो। पर आपको कुछ हो गया नहीं इसकी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चलो फिर देखते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये सब खाके तो पिछवाड़े में लाल बत्ती जलेगी रे बाप। क्या बात है भाई, जोश जोश में रजनीकांत तो बन गया, लेकिन दूसरे दिन जो तशरीफ के अंदर ज्वालामुखी फटे होंगे ना, ओए होए होए, साला तशरीफ का ट्रेडमिल बन गया होगा। अरे बालक, खा लेता थोड़ा कच्चा पालक या मिर्चा, खाने की क्या जरूरत थी बे। बाबू सोना मोना ने धोखा दिया था तुझे, या तशरीफ से ब्लड डोनेशन करने का शौक चढ़ा था? नहीं मतलब रीजन क्या था जानना है हमें। साला चटनी तो ऐसे ठूस रहा था जैसे बोरकुट हो। अबे देख ये येड़े चाले मत करा कर, कुछ फायदा नहीं है, देख थोड़ा तबियत गिब्बत पे ध्यान दे। साला मिर्ची तो दबा दबा के खाता है। तो तेरे बाप क्या जाता है? वैसे बात तो सही करता है। क्या हुआ? दीदी खाना ऐसा खाया करो जो पेट को लगे, तुम्हारा तो गाल पे लग रहा है बे। ये दीदी खाना मुंह से कम और गाल से ज्यादा खाती है। देखो मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ या गलत, बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ।
अगर आपको कुछ खाने को मिल रहा है ना, तो उसकी ना रिस्पेक्ट किया करो। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि थाली के सामने हाथ जोड़ना और आधा खाना झूठा छोड़ना। आपको हाथ जोड़ना है जोड़ो, नहीं जोड़ना मत जोड़ो, बट आपको जितनी जरूरत है ना उतना ही खाया करो। कभी भी खाने को वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि आपको पता होगा जैसे अभी हालात चल रहे हैं ना, लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। और जाने अनजाने में उन लोगों ने ये ऐसे वीडियो देखे होंगे ना, तो उनको कितना बुरा फील हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, हमारा खाना हमारी मर्जी, हम खाएंगे नहीं तो वेस्ट जाने देंगे, देखो क्या पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज आपको खाना मिल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो, क्या पता कल हो ना हो। आज कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फूड लिख दो यार, अच्छा लगेगा। साला मैं एक बात बताना तो भूल ही गया बे, ये दीदी तो मोटिवेशन भी देती है। हाय फ्रेंड लोग, कोई तुमसे कहे कि तुम अपने आप को बदल दो तो बदलो मत, अपने अंदर की बचपना कभी जाने मत दो। कभी भी कितनी भी मुसीबत आए तो हौसला बनाए रखो, ऊपर वाला सब देख करेगा। शट, यही नहीं अभी और सुनिए। कैसे हो, बढ़िया? और अरे नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, अपनी बुआ से बात कर रही हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दो, वो भी घंटा दबा के। ये साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे, इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए, गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए गूदा।